सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यह बीमारी से बच्चों को बचाओ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। सभी मानव जाति, मनुष्य प्राणी, ह्यूमन बीइंग यह बीमारी से ग्रस्त है। लोग क्या कहेंगे, अच्छा दिखना चाहिए, बुरा नहीं दिखना चाहिए, जहां वहां बीच बीच में आते रहता है और वो अपना सत्यानाश कर देता है। सत्यानाश कैसा करता है? सत्यानाश करता है कि उसमें पूरा सेल्फ एक्सप्रेशन मारे जाता है, मर जाता है, दबोच दबोच के आदमी रहता है। बच्चों को ये रोग नहीं रहता है। एक्चुअली 2-3 साल का बच्चा है तो लोग क्या कहेंगे, ये बच्चों को रोग नहीं रहता है, वो तो मस्त रहता है, बिल्कुल ऐसा जीता है, फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस्ड। समझो अपन खाना खा रहे हैं तो हाथ डाल देगा, उठा लेगा, खाना खा लेगा, कहीं भी जंप करेगा, कहीं भी कूद लेगा, उसको लगता नहीं कहीं कुछ चीज मांग देगा। फिर अपन बच्चों को बोलते, अरे उनके अपन घर में गए थे, तुमने ऐसा खुद ने मांगने का नहीं, अच्छा नहीं दिखता हो, खुद ने नहीं मांगने का, उल्टा उन्होंने बोला ले लो तो बोलना नहीं, थैंक यू वेरी मच, ऐसा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, बच्चों को हम सिखाते रहते हैं कि कैसा बिहेव करना, और हर बार वही रहता है कि अच्छा दिखना चाहिए, बुरा नहीं, क्योंकि आप उससे ग्रस्त है। खुद इतना नुकसान उसमें होता है कि भाई जो बात करना है वो बात आप करते भी नहीं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बताता हूं कि मैं 6वीं 7वीं क्लास में था, टीचर ने कुछ सवाल किया, मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा था, टीचर ने कुछ सवाल किया कि चलो इसके बाद में क्या स्टेप है बताओ, और सब लोग सर 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 कर रहे, मैं भी सर कर रहा था, तो मुझे पूछा हाँ बताओ बोले तुम, और मैंने जवाब दिया और वो जवाब गलत निकला। जैसे ही जवाब गलत निकला तो जोर से मेरे आंख पे चिल्लाए कि अकल नहीं है तुमको, इतना सोपा भी आता नहीं, इतना इजी है, आसान है, वो आपको आ नहीं रहा है, कॉपियाँ करते रहते हो, एग्जाम में कैसे पास होते हो पता नहीं। मैं तो पानी पानी हो गया, हैरान हो गया, सब बच्चे हंसने लगे, और फिर उसके बाद में मैंने हाथ ऊपर करना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन पूरा मर गया। छोटी छोटी बात रहती है, वो घर की रहेंगी, बाहर की रहेंगी, ज़्यादा टीचर और माँ बाप इनसे ही प्रभावित बच्चे लोग होते रहते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे। हम देखो ना, बड़े लोग कैसा व्यवहार करते हैं। हम शादी में जाएंगे रिश्तेदारों के यहाँ, हमारी हैसियत नहीं है, इतना इनकम नहीं है, तभी भी अच्छा दिखना चाहिए करके बहुत महंगा गिफ्ट देंगे, और सबके सामने बड़ा गिफ्ट दिखना चाहिए वो देंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। जो अंत यात्रा है उसमें जाएंगे, क्योंकि गए नहीं तो लोग पूछेंगे अरे आप दिखे नहीं, तो लोग क्या कहेंगे। मैं गया नहीं उनको बैठक में, गए नहीं तो लोग क्या कहेंगे। आप लोग कितने लोग झूठ बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ इसलिए बोलते हैं कि सच बोल दिया और सच बाहर आ गया तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए झूठ बोलते हैं। आप लोगों से पैसे तक नहीं मांग सकते, आपने पैसे उनको उधार दिए हुए हैं, आप उनसे मांगते नहीं, क्योंकि वो नहीं बोलेगा और वो अच्छा दिखेगा नहीं। तो अच्छा नहीं दिखेगा तो हरदम लुकिंग गुड एंड अवॉइडिंग लुकिंग बैड। अच्छा दिखना चाहिए और बुरा नहीं दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, बुरा नहीं दिखना चाहिए, तो इसमें खेल रहता है बुरा। हमको किसी को कुछ बोलना है तो हम बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसको बुरा लगेगा, वो गुस्सा करेगा और वो अच्छा दिखेगा नहीं, इट डजंट लुक गुड। कभी मैंने हाथ ऊपर कर दिया और वो गलत सवाल निकला तो फिर सब लोग हंसेंगे, तो इट डजंट लुक गुड। मेरे को अच्छे कपड़े पहनना है, भारी भारी कपड़े पहनना है, क्योंकि अच्छा दिखता है करके ना, फिर मेरी हैसियत नहीं है तभी भी मैं गिफ्ट दूंगा, मेरी हैसियत नहीं है तभी भी मैं बहुत सारी ऐसी चीजें करूंगा, खर्चा करूंगा। शादियों में लोग खर्चा करते हैं, कर्जा निकाल निकाल के पूरे गांव को खाना खाने बुलाते हैं, वो इसलिए कि मैंने ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा दिखता है ना, नहीं तो बुरा दिखेगा कि लोगों को खाना खाने को बुलाया नहीं। मैं तो एक जगह गया था तो उन्होंने, हमारे करीब के थे, उन्होंने शादी को नहीं बुलाया, तो मैंने बोला भाई क्यों शादी को नहीं बुलाया, बोले नहीं हमने ऐसा सोचा कि हमारे पास में नहीं है पैसा, इधर उधर से पैसे निकालेंगे, शादी करेंगे लड़की की, और उससे अच्छा इसको कम से कम 2 लाख का एक लोन लेके शादी निकालना, उसके बदले लोन निकाल के उसको एक कोई छोटा सा
व्यवसाय चालू कर दिया तो उसमें कमाई तो भी होंगी। फिर मैंने उनको पूछा, फिर ऐसा आपने किया तो आपको डर नहीं है लोग क्या कहेंगे कि अच्छा नहीं दिखता ना कि लोगों को शादी नहीं बुलाया? बोले उसका क्या, मेरे को करना है, मेरे को मेरी लड़की का फ्यूचर देखना है। तो ये इस तरह का जीवन आप जीते हैं तो देखो कितना क्या संभव है। तो ये जो रोग है कि भाई लोग क्या कहेंगे, उसमें हम मरे हुए हैं। हम बड़ी गाड़ी लेंगे, हैसियत नहीं है तभी भी, क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए और बुरा नहीं दिखना चाहिए। लोगों के यहाँ जाते हैं, बैठते हैं, गिफ्ट देंगे, जबरदस्ती कुछ करेंगे, कितनी सारी बातें सवेरे से रात तक हम करते रहते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, अच्छा दिखना चाहिए, बुरा नहीं दिखना चाहिए। अभी ये सब बच्चों के ऊपर हम डालते रहते हैं तो बच्चा भी वैसा बड़ा हो जाएंगे। हमको यदि नई पीढ़ी एकदम अच्छी करना है, ये बीमारी से लोग मुक्त होना चाहिए, ये बीमारी से मुक्ति मिलना चाहिए, ये नई पीढ़ी ऐसी होने ही नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे इसमें जिएंगे, तो फिर कैसा होगा? क्योंकि क्या होता है कि इसमें लोग क्या कहेंगे, लुकिंग गुड एंड अवॉइडिंग लुकिंग बैड, इसमें फिर हम सीधा नहीं बोलेंगे कि मेरे को क्या है लगता है, फिर हम कुछ तो भी रीजन देंगे। समझो आपने मुझे बोला कि कल सवेरे 9 बजे हम जाएंगे, फोन करेंगे या मिलेंगे, जो भी कुछ आपने बोला, मैं बोलता हाँ बिल्कुल 9 बजे कल बिल्कुल मैं आऊंगा, आपको मिलूंगा। अंदर से मुझे मालूम है कि मैं जाने वाला नहीं हूं, पर हाँ बोल देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने सीधा बोल दिया कि मैं नहीं मिलूंगा तो अच्छा दिखेगा नहीं, और फिर मैं मेरा वर्ड ऑनर नहीं करूंगा, और फिर कुछ तो भी रीजन दूंगा, हाँ मैं 9 बजे आपके यहां आया नहीं क्योंकि मेरे यहां मेहमान आए थे, क्योंकि मैं भूल गया, क्योंकि ऐसा हो गया, क्योंकि वैसे कुछ तो भी रीजन दूंगा। और फिर हम कारण देने वाली जिंदगी जीते हैं, हमको कुछ संभावना दिखती नहीं है। संभावना से जीना है, क्या संभव है वहां से जीना है, तो देखो कैसा एक्सप्रेशन रहेगा बच्चों का, वो पूरी खुल के जिंदगी जिएगा, दब दब के नहीं जिएगा, और जीवन जिंदगी ऐसी जिंदगी जीने में बहुत मजा आ जाएगा। सो बच्चों को ये सिखाओ कि फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस रहो, जैसा लगता है ऐसा करो। इसका मतलब ये नहीं कि इनअप्रोप्रिएट करो। देखो मुझे लगता है कि मैंने शर्ट निकाल के रस्ते पे घूमना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है भाई, सेल्फ एक्सप्रेशन दैट इज इनअप्रोप्रिएट, वो इनअप्रोप्रिएट है। मगर जैसा शादी में समझो, ऐसा नहीं है कि आप शादी में कपड़े फटे कपड़े पहन के जाएंगे, इनअप्रोप्रिएट हो। समझो आपके फटे कपड़े रहे तभी नहीं पहनेंगे आप थोड़े से अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, मगर वो कहीं से तभी पैसे उधार ला के बड़े बड़े गिफ्ट देना, बड़ा बड़ा खर्चा करना। हमारे यहाँ एक डॉक्टर, उनके पिताजी गुजर गए, तो पिताजी गुजर गए करके उनको दुख नहीं था, 13वीं थी और 13वीं के दिन कम से कम 1.5 लाख का खर्चा हो जाएगा, और उसकी फिक्र थी और उसलिए वो दुखी थे कि अरे 13वीं के दिन, मतलब क्यों बुलाते लोगों को? नहीं बोले वो मीठा खाना देना ही पड़ता है, और मीठा खाना 13वीं के दिन नहीं दिया गाँव में तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं दिखता हो, तो करना ही पड़ता है। तो इस तरह का जीवन हम नहीं जिएंगे, और बच्चों को भी सिखाएंगे तो नई पीढ़ी तैयार हो जाएंगे जो फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।